हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग आए हैं ममजर बीच पे अगेन। और ये रिया मुझे बहुत तंग कर रही थी। चलो आओ, हम आपको दिखाते हैं क्या है। ये कहती है मैं कौन हूँ। मैंने कहा जी, मैं आपको भी बताती हूँ, ये रिया है। आशी फ्रेंड्स, वेरी एंजॉयिंग है। ये ऐसे करती है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। शी इज फ्रॉम इंडिया और मैं पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की दोस्त हूँ। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। गाड़ी पार्क यहाँ पे। देखे जी, दूर दूर तक कोई बंदा ना बंदे की जात नजर आ रही है इस साइड पे। और देखे जी, कोई रोड पे गाड़ियां भी खड़ी नहीं है। और ये देखे मैडम जा रही है कहीं नहीं है, तो मैं एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। पार्किंग की स्पेस भी है, अदरवाइज वीकेंड पे आओ यहाँ पे पार्किंग की स्पेस ही नहीं मिलती। शुक्र है आज पार्किंग की स्पेस ही है और रश ही कोई नहीं। वो एक फैमिली भी आई हुई है, एंजॉय करने भी नजर आई। सो जी, यहाँ पे रात को हम आए हैं वो करने।
सो आप देख सकते हैं लोगों ने देखो कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन बनाए हैं पाइप्स के, फिर फूलों के। इसका क्या रह गया है? बबल ढूंढ रही थी ये मैडम। चलो जी अभी हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे, तो आपको दिखाते हैं आगे क्या है। ठीक है, ओ माय गॉड, सी द व्यू, इट्स सो ब्यूटीफुल। वो बिल्डिंग्स के शेड्स पड़ रहे हैं ना लाइट्स के, तो पानी का व्यू चेक करें। ऑसम ऑसम, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और पानी की लहरें, यहाँ पे इतनी खामोशी है कि बंदा इंजॉय करता है यहाँ पे आके। अपनी जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, यहाँ पे बंदा आके अकेला बैठे, कुछ खुद की सुने, कुछ कुदरत को सुनाए, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। रियली मुझे तो जब कोई मुश्किल हो ना, जब कोई परेशानी है, मैं यहाँ पे आ जाती होती हूँ। हम अक्सर आते होते थे, अभी थोड़ा ये लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे, अदरवाइज़ हम मारिया ऑलमोस्ट वीक में 2-3 चक्कर तो यहाँ पे लगते ही होते थे डेफिनेटली। वो देखें जी, एक बंदा जो है वो फिशिंग कर रहा बैठा, तो आइए इसे पूछते हैं कि क्या कर रहा है ये बंदा। फिशिंग कर रहे हैं तो इन लोगों ने फिश कुछ पकड़ ली है। हाँ, यू पुट द आइस इनसाइड द बॉक्स फॉर व्हाट? So that they will not easily get smelly. Ah. Oh. Can I touch? Sure. Yeah. Huh? Yeah. Oh. Still alive. Still alive? Yeah. Oh my God. Just 5 minutes ago. So अभी और fishing कर रहे हैं। How much time it will take to catch a fish? Depends. Sometimes you just throw and then the fish is there. Ah, sometimes okay.